हेलो बच्चों क्या हाल चाल आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरी आवाज आ रही है ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं हेलो गाइस हेलो एवरीवन क्या हाल चाल चलिए शुरू करते हैं सेशन वेलकम टू द अभ्यास बैच सबसे पहले मैं पांच मिनट लूंगा ये बताने के लिए कि यह अभ्यास बैच क्या है और हमारा टारगेट क्या होने वाला है ठीक है मैं आपके कमेंट्स तभी पढ़ूंगा जब मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दिखा तो मैं उसका तभी रिप्लाई करूंगा और अभी फिलहाल आप मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से सबसे पहले सबसे पहले मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं जल्दी बताइए अभी फिलहाल आप क्लियर है मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ऑडियो वीडियो तो क्लियर है चलिए सो गई सबसे पहले तो हम ये अभ्यास बैच के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस अभ्यास बैच का हमारा टारगेट क्या होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा ये हम किस लिए कर रहे हैं सेप्टेंबर 24 और जनवरी 25 अगर कोई बच्चे का अटेम्प्ट जनवरी 25 है तो भी ये अभ्यास बैच किया जा सकता है ठीक है सर व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट्स सर कॉन्सेप्ट्स के लिए आप क्या करने वाले हो बेटा कॉन्सेप्ट्स के लिए यू हैव टू रेफर ट्रैक रैपिड रिवीजन जो ऑलरेडी जिसका प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया हुआ है अगर आपके पास प्लेलिस्ट ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा अभी लेक्चर खत्म होने के बाद दूसरी बात मैं ये अभ्यास बैच में कौन सा सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूं वही सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूं जिस सीक्वेंस में मैंने रैपिड ये फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन को फॉलो किया था फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन का जो सीक्वेंस था वो ये था ये मैं आपको स्टडी प्लानर मैंने दिया है जैसे कि आज हम ए एस नाइनटीन स्टार्ट करेंगे लीजेस आपको क्या करना है आपको सबसे पहले ए एस नाइनटीन कॉन्सेप्ट फ्रॉम ट्रैक आपको फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन से कॉन्सेप्ट करके आना है ये जो मैंने आपको प्लानर दिया है उसी के अंदर मैंने उसको आपको youtube का लिंक दे दिया है मतलब अगर आपको as19 सिर्फ आपको ये प्लानर फॉलो करना है प्लानर को डाउनलोड करना है आप इसको क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको as19 का फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन का वीडियो दिखेगा उसके अंदर आप as19 कंप्लीटली कर सकते हो उसके अंदर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं और कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं फिर एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं फॉर दिस अभ्यास बैच अभ्यास बैच में जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं कुछ क्वेश्चंस फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन वाले ही हैं और कुछ क्वेश्चंस अलग हैं तो अभ्यास बैच में हम क्या करेंगे हम उन अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके जो एएस19 में कॉन्सेप्चुअल डाउट हैं हम उनकी बातें करेंगे ठीक है और इस तरीके से हम अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस होगी बीच-बीच में बीच uh, आपको लास्ट में दिखेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन में कवर अप नहीं किए थे इनको मैं डायरेक्टली अभ्यास बैच में कॉन्सेप्ट के साथ साथ कवर कर लूंगा ऐसा एक आध बार बीच में भी ऐसा हो रहा है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ ठीक है ना तो ऐसा मैं बीच बीच में कर लूंगा तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम अभ्यास बैच में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं मैं आपको आपके साथ एक चीज बता दूं मैं यहां पर टाइम पास करने नहीं आया हूं मैं यहां पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने आया हूं हमारे सर सेशन का ड्यूरेशन क्या होगा ड्यूरेशन हमारा सेशन का क्या होगा ड्यूरेशन वैसे तो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर पर कभी हमारा ड्यूरेशन वन आर होगा तो कभी वन पॉइंट फाइव आर होगा एंड इट मे गो अप टू आरस बट दो घंटे से ज्यादा नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे अदर सेशंस भी रहते हैं तो ये टोटली totally डिपेंड करेगा कि हमारा ड्यूरेशन एक घंटे का है, आर्स का है या तो, तो, दो आवर्स का है इस तरीके से रहेगा यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पर लाइव जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी टाइम पास से नहीं आएंगे कट टू कट हम बातें करेंगे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की और डाउट सॉल्विंग की कोई और बातें नहीं होंगी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार लाइव से बेटर तो आप रिकॉर्डेड देख लो तो मैं आपको खुद ही रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव मत देखना आप बाद में इसको रिकॉर्डेड देख लेना लाइव में बस एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि आप मेरे साथ साथ कर लोगे रिकॉर्डेड में वही प्रोक्रेस्टिनेशन होगा आपके साथ जो आप बोलोगे कि मैं बाद में कर लूंगा पर फिर बाद में आप कर नहीं पाते हो तो बस हमारा टारगेट है कि, कि किसी भी तरीके से हम पच्चीस दिन में ट्वेंटी डेज में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें ठीक है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है आपको जो आपको मुझसे पूछनी है अच्छा दूसरी बात सर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कहां से कराऊंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको आपको यहां से कराऊंगा सर ये पीडीएफ हमें कहा मिलेगा अबे नालायकों ये बैच ज्वाइन करने से पहले कम से कम मेरे बाकी के वीडियोस देख लेते तो उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाता ये पीडीएफ आपको कहा मिलेगा ये पीडीएफ PDF... हेलो 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 मेरी आवाज आ रही है हाँ जी चलिए शुरू करते हैं तो मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और पिन कमेंट में मैंने डाल, डाल दिया है पीडीएफ चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा ए एस नाइनटीन पे आज का जो सेशन होगा वो हमारा होगा ए एस नाइनटीन पे लीजेस मुझे ये बताइए ए एस नाइनटीन के जो मुझे आपको क्वेश्चन करवाने हैं उससे पहले आप मुझे बताइए ए एस नाइनटीन के मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं पहले से ही आपको बता दूं कि जो मैंने ये लिस्ट ऑफ़ क्वेश्चन बनाई है ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने सेप्टेम्बर अटेम्प्ट और जनवरी ट्वेंटी फाइव अटेम्प के लिए मैंने न्यू लिस्ट बनाई है बट इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने लास्ट टाइम फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन के टाइम पर जो मैंने लिस्ट बनाई थी फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन के टाइम पर जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे हालांकि उसमें मैंने क्वेश्चन लिमिटेड करवाए थे तो उस टाइम पर जो मैंने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में जो क्वेश्चन होंगे और इस लिस्ट में जो क्वेश्चन होंगे कुछ डिफरेंट होंगे और कुछ मैच करेंगे याद रखना कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे तो अगर जो क्वेश्चन मैच करेंगे तो उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो क्योंकि आप वो फास्ट ट्रैक रैपिड रिविजन से करके आएंगे और जो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे तो तो डेफिनेटली वो आपको मैं पूरे के पूरे के करवाऊंगा। तो अभी आप मुझे सबसे पहले ही बताओ कि के अंदर, के अंदर, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है अभी ना कोई भी व्यक्ति वॉइस और दुनिया भर का कुछ भी ना चीजें करे मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है नेटवर्क के चक्कर में तो एस नाइनटीन में मुझे सबसे पहले बताओ आपको मुझसे कोई डाउट पूछना है कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट आपका है या मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस टेल मी कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट आपको मुझसे पूछना है या फिर डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिस टेल मी बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट होगा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट होगा Uh, कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट होगा मुझे बताइए कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट सर आई आर आर वाला एक बार रिवाइज बेटा देखो ये 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 चीजें नहीं करो बेटर है कि ये चीजें नहीं करो रैपिड रिविजन में आपको रिविजन ही करवाया गया है एक बार रिवाइज में ना जिंदगी हिल जाएगी तुम्हारी बार 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 बार, बार रिवाइज 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 मैं वही बोल रहा हूं ये सब रिविजन क्वेश्चन से हो जाते हैं ठीक है ना एक बार रिवाइज एक बार रिवाइज से कुछ नहीं हो पाएगा जब तक कंसेप्ट खुद आप करके नहीं आओगे रिवाइज नहीं हो पाएगा ठीक है अगर आपको कोई, अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो मुझे बताइए चलिए ऐसा करते हैं मैं समझ गया मुझे पता है कि यहां आप पर आपके मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं डायरेक्टली ना पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करवा देता हूं और क्वेश्चन के थ्रू आपको रिविजन समझ में आ जाएगा मैं आ आपको क्वेश्चन करवा देता हूं क्वेश्चन के थ्रू रिविजन समझ में आ जाएगा ए एस में तुमने क्या पढ़ा है AS19 में तुमने पढ़ा है 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 कि दो टाइप की लीजेस होती हैं. एक होती है lease, एक होती एक एक फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज ठीक है फाइनेंस लीज में अंदर तुमने क्या पढ़ा है एक होता है लेसी और एक होता है लेसर एक होती है एक होता है लेसी एक होता है लेसर लेसी क्या करता है लेसी जो होता है वो असैट को रिकॉर्ड करता है लेसी जो होता है वो असेट को रिकॉर्ड करता है और वो लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करता है असेट को रिकॉर्ड करता है और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करता है किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड करता है लोअर ऑफ वो रिकॉर्ड करता है लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ असेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी और फेयर वैल्यू ऑफ असेट ठीक है अब एमएलपी के अंदर क्या आता है एमएलपी के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले अगर मैं लेसी हूं असेट लेके आ रहा हूं तो मैं डीपी पे करूंगा तो डीपी मैं डाउन पेमेंट पे करूंगा डीपी के साथ साथ मैं क्या पे करूंगा डीपी के साथ साथ मैं पे करूंगा एनुअल लीज रेंट्स एनुअल लीज रेंट पे करूंगा और इसके अलावा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मैं जी मैंने अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू गारंटी किया है लेसी को तो वो मैं पे करूंगा और इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम तो हमने इतना पोर्शन पढ़ के रखा है तो आइए हम निपटाएंगे कुछ क्वेश्चन को आइए क्वेश्चन नंबर हम निपटाएंगे कुछ क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर वन पे आइए क्या है देखिए एबीसी लिमिटेड टू क मशीन ऑन लीज फ्रॉम एक्स वाई जेड द फेयर वैल्यू बींग

फिर उसके बाद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन एज वेल एज द लीज टर्म इज फोर ईयर्स तो यहां पर हम बोलेंगे लीज टर्म लीज टर्म फोर ईयर्स लीज टर्म फोर ईयर्स एंड लाइफ फोर ईयर्स ठीक है अब जब लीज टर्म चार साल है लाइफ चार साल है तो ये फाइनेंस लीज हो गई एक तरीके से ये फाइनेंस लीज हो गई बिकॉज फाइनेंस लीज की कंडीशन में क्या आता है फाइनेंस लीज की पांच पांच कंडीशन होती होती है इंडिकेटर्स है एक भी इंडिकेटर अगर फुलफिल हो गया तो उसको फाइनेंस लीज माना जाता है उसमें से एक कंडीशन यह थी कि अगर आपकी लीज टर्म मेजर इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है तो वो फाइनेंस लीज होगी ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूं मैं आपके फालतू कमेंट नहीं पढ़ूंगा मुझे मतलब है उन बच्चों से जिनको एक्चुअली मेरे साथ प्रैक्टिस करनी और जिनको मुझसे डाउट पूछना है बाकी दुनिया भर की चीजें मैं आपसे बा, बात नहीं करने वाला हूं कि सर मैं एक ग्रुप दू मैं दो ग्रुप दू मेरा ये मेरा वो मेरा फलाना मेरा ढिमका बिल्कुल भी नहीं बुद्धे की बात करो नहीं तो प्लीज आप बाद में च, आप चले जाओ ये लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना प्लीज तो आगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर एबीसी लिमिटेड पे थ्री फिफ्टी हर ईयर के एंड में हम थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी पे करेंगे तो इसका मतलब एनुअल लीज रेंट एनुअल लीज रेंट एनुअल लीज रेंट कितना होगा थ्री फिफ्टी होगा एनुअल लीज रेंट कितना होगा थ्री फिफ्टी होगा ठीक है द द लीज हैज अच्छा जी GRV कितना होगा फोर्टी थाउजेंड आपको मेरे साथ साथ फॉर्मेट जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आपको ध्यान रखना है फोर्टी थाउजेंड उसके बाद अच्छा जो जी आर वी होता है वो एट फोर्थ ईयर एंड पे होगा फोर्थ ईयर एंड बिकॉज वो ईयर एंड पे होता है लीज टर्म के एंडिंग पर होता है ठीक है ठीक है उसके बाद हाउ एवर एक्स वाइज एड द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ़ मशीन हमें 40, 40, ले लिया है। जो थर्टी फाइव थाउजेंड है वो जो पोर्शन है वो एस्टिमेट कर रहा है लेसर तो आप चाहो तो लिख सकते हो आप लिख सकते हो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसर

एस पर एस नाइनटीन लीजेस अंडर फाइनेंस लीज थोड़ा शॉर्टकट चलेगा अंडर फाइनेंस लीज लेसी हैज टू रिकोगनाइज लेसी हैज टू रिकोगनाइज द लीज असेट लीज असेट एंड लीज लाइबिलिटी एट लोअर ऑफ एट लोअर ऑफ लोअर ऑफ क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ अ ठीक है ना आई बात समझ में दूसरा ये हो गया आपका पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आपका रहेगा मिनिमम लीज पेमेंट का मिनिमम लीज पेमेंट मिनिमम लीज पेमेंट में आप लिखोगे सम ऑफ फॉलोइंग पेमेंट्स सम ऑफ फॉलोइंग पेमेंट्स क्या क्या डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट एनुअल लीज रेंट और गारंटीड रेसिडअल वैल्यू बाय लेसी यह होता है आपका एमएलपी ये होता है आपका एमएलपी बोलो बेटा क्लियर हुआ बोलो बेटा क्लियर हुआ चलिए उसके बाद अब आते हैं वो क्या बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मशीन टू बी कंसीडर्ड एंड द फाइनेंस चार्जेस अब वो आपसे दो चीजें पूछ रहा है तो सबसे पहली चीज अब यहां पर करेंगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन में पहली चीज पूछ रहा है कैलकुलेशन में पहली चीज पूछ रहा है हा एमएलपी की मैंने डेफिनेशन प्रोविजन का पार्टी बना लिया एमएलपी का डेफिनेशन कैलकुलेशन पहला चीज क्या पूछ रहा है वैल्यू ऑफ मशीन टू बी रेकग्नाइज ये निकालेंगे हम तो यहां पर हम रखेंगे ईयर यहां हम रखेंगे एम यहां हम रखेंगे ईयर एमएलपी फिर यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और यहां प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट तो ईयर वन टू थ्री फोर और फिर से फोर अब देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है यहां पर आपको एनुअल लीज रेंट है आपको जीआरवी है डीपी आपके पास है ही नहीं डीपी जीरो है तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी और लास्ट में चौथे साल में क्या आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में क्या क्या लोगे पॉइंट एट सिक्स टू वन अब मुझे आप प्लीज हेल्प करिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके पॉइंट एट सिक्स टू वन सेवन फोर थ्री टू सेवन फोर थ्री टू सिक्स फोर जीरो सेवन सिक्स फोर जीरो सेवन फाइव फाइव टू थ्री फाइव फाइव टू थ्री पाई पाई टू थ्री सर पाई पाई टू थ्री आपने दो बार क्यों लिखा बिकॉज बेटा चौथे साल में दो दो अमाउंट है तो दोनों के लिए सेम अमाउंट आया है यहां पर ठीक है ठीक है चलिए पहला अमाउंट बताइए मुझे हेल्प करिए बेटा थ्री जीरो वन सेवन थ्री फाइव वेरी गुड सृष्टि थ्री जीरो वन सेवन थ्री फाइव दूसरा अमाउंट दूसरा अमाउंट टू सिक्स जीरो वन टू जीरो वेरी गुड टू सिक्स जीरो वन टू जीरो उसके बाद तीसरा अमाउंट सृष्टी टू टू फोर टू 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 फोर टू फोर फाइव उसके बाद उसके बाद और बोलो और बोलो और बोलो वन नाइन्टी थ्री थ्री जीरो फाइव वेरी गुड वन नाइनटी थ्री थ्री जीरो फाइव और टू टू जीरो नाइन टू अब एग्जाम में तो कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी ना एग्जाम में तो पूरा करना पड़ेगा चलो टोटल 193, 305, 224, 245, 260, 120, 301, ये हो जाएगा टेन लैखीन थाउजेंड नाइनटी सेवन मतलब टेन लैख वन थाउजेंड फोर नाइनटी सेवन ठीक है चलिए यहां तक क्लियर अब मुझे बताइए ये क्या हुआ ये आप इसको करो ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी अब इसमें बी करो फेयर वैल्यू ऑफ अ सेट फेयर वैल्यू ऑफ मशीन मशीन का फेयर वैल्यू कितना है टेन लैक्स मशीन का फेयर वैल्यू टेन लैक्स हैंस वैल्यू ऑफ मशीन टू बी रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑफ मशीन टू बी रिकॉग्नाइज एट टेन लैक्स वैल्यू ऑफ मशीन टू बी रिकॉगनाइज एट टेन लैक्स आई मेरी बात समझ में ये हो गया टेन लैक तो उसने हमसे क्या पूछ रहा था उससे हमने हमसे पूछा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीन टू बी कंसिडर्ड तो ये हमारा हो गया अब हमसे वो क्या पूछ रहा है फाइनेंस चार्जेस फॉर ईच ईयर तो आइए हम निकालते हैं सेकेंड वाली चीज सेकेंड वाली चीज निकालेंगे फाइनेंस चार्जेस फाइनेंस चार्जेस फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट निकालेंगे फाइनेंस चार्जेस मतलब इंटरेस्ट निकालेंगे बोलो जी यहां पर कैसे निकालेंगे ईयर ईयर ओपनिंग लीज लाइबिलिटी। बेटा यहां पर फॉर्मेट में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं ओपनिंग लीज लाइबिलिटी ठीक है ओपनिंग लीज लाइबिलिटी। उसके बाद उसके बाद फाइनेंस चार्जेस एट द रेट ऑफ सोलह परसेंट फाइनेंस चार्जेस एट द रेट ऑफ सोलह परसेंट उसके बाद उसके बाद पेमेंट उसके बाद पेमेंट और फिर क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी तो सबसे पहले ईयर वन अब ओपनिंग लीज लाइबिलिटी आपकी कितनी होगी ओपनिंग लीज लाइब्रिटी आपकी होगी दस लाख जिसपे आपने रिकॉर्ड किया है अब आप ध्यान से समझो एंट्री उसने पूछा नहीं है पर अगर आप एंट्री करते तो एंट्री क्या करते मशीन अकाउंट डेबिट टू लीज लाइब्रिटी मशीन अकाउंट डेबिट टू लीज लाइब्रेटी अगर आप एंट्री करते तो ठीक है अगर आप एंट्री करते तो मशीन अकाउंट डेबिट टू लीज लाइब्रेटी तो यहां पर आपका लीज लाइब्रेटी ओपनिंग कितना हो जाएगा टेन लैक्स ये हो जाएगा टेन लैक्स अब मेरी बात ध्यान से सुनो क्या इस क्वेश्चन के अंदर डीपी था नहीं था पर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे डीपी यहां से माइनस कर दोगे माइनस आप डीपी कर दोगे हालांकि इसमें जीरो है आप यहां से डीपी माइनस करोगे जो रिमेनिंग बचेगा बेटा इंटरेस्ट उस कैलकुलेट करना ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना ठीक है डीपी माइनस करने के बाद अभी डीपी जीरो था तो चलिए टेन लैख के ऊपर निकालिए वन लाख सिक्सेंड का फाइनेंस चार्ज आ गया पेमेंट कितना करोगे थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड पेमेंट करोगे थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड तो क्लोजिंग बच गया एट लैख टेन थाउजेंड क्लोजिंग बच गया एट टेन सेकेंड ईयर ओपनिंग आ गया एट टेन सिक्सटीन परसेंट आ जाएगा वन ट्वेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड ठीक है और पे करेंगे थ्री फिफ्टी और क्लोजिंग हो जाएगा फाइव एटी नाइन सिक्स हंड्रेड फिर थर्ड ईयर में फाइव एटी नाइन सिक्स हंड्रेड फाइव एटी नाइन सिक्स हंड्रेड पे किया हमने पे किया हमने नाइन इंटरेस्ट uh, आया नाइन फोर थ्री थ्री सिक्स और पे किया हमने थ्री फिफ्टी तो ये आ जाएगा ट्रिपल थ्री नाइन थ्री सिक्स ट्रिपल थ्री नाइन थ्री सिक्स फिर फोर्थ ईयर ट्रिपल थ्री नाइन थ्री सिक्स ट्रिपल थ्री नाइन थ्री सिक्स बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं ट्रिपल थ्री नाइन थ्री सिक्स अब सुनो लास्ट ईयर में कभी भी इंटरेस्ट डायरेक्ट मत निकाला करो इंटरेस्ट को एज अ बैलेंसिंग फिगर रखना है हमें तो हम क्या करेंगे पेमेंट पे आएंगे पेमेंट हमें आखिरी साल में कितना करना होता है थ्री फिफ्टी ये करना है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये जीआरवी भी पे करेंगे क्योंकि हमने गारंटी किया है तो लास्ट ईयर में हम टोटल पेमेंट कितना करेंगे थ्री नाइनटी लास्ट ईयर में टोटल पेमेंट कितना करेंगे थ्री नाइनटी थ्री नाइनटी चलिए तो अगर पेमेंट थ्री नाइनटी कर लेंगे तो हमारी लाइब्रेरी क्लोजिंग कितनी आनी चाहिए जीरो तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना आया थ्री नाइनटी में से ट्रिपल थ्री नाइन थ्री सिक्स जीरो सिक्स जीरो सिक्स फोर ठीक है आया समझ में कि नहीं बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं अब मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बात बताऊं अगर एग्जाम में कुछ और सिचुएशन आ गई तो क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो पेपर में कभी कभार ट्रिकी चीजें पूछ जब पूछ लेता है वो इंस्टीट्यूट कभी कभार ट्रिकी चीजें पूछ लेता है ठीक है सर अगर एमएलपी एवरी ईयर वेरिएबल होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट सेम हो गया बेटा एमएलपी आपका वेरिएबल हो ही नहीं सकता बिकॉज डीपी आपका एग्जैक्ट है एनुअल रिजरे पेमेंट आपको पहले से ही पता कि हर साल का कितना देने वाले हो ठीक है आरवी जी आरवी थोड़ा बहुत हो सकता है कि बार बार वो गारंटी चेंज करे पर ऐसा क्वेश्चन आज तक इंस्टीट्यूट ने ना पूछा है ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है ना वो सीए फाइनल में है क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आनी होती CA होती फाइनल में तो मैं कब का वो बता चुका होता तो उस पर ज्यादा दिमाग मत चलाओ एक चीज मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा दिमाग चलाओ उतना जितना रिक्वायर्ड है ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू अ डिस्ट्रक्शन ओवर थिंकिंग हमेशा डिस्ट्रक्शन पे जाती है अगर ओवर थिंकिंग ज्यादा करोगे ये हुआ यह हुआ यह हुआ, हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी हां अब सुनो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर अपना सोल्यूशन खत्म है पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं मैं आपसे बोल रहा हूं आपको पता है मैंने यहां पर मैंने यहां पर हर पेमेंट कब कब अज्यूम किया है 350, 350, 350, 350 कब कब अज्यूम किया है मैंने अज्यूम किया है एट द ईयर एंड मैंने यहां पर अज्यूम किया है 350, 350 अज्यूम ईयर के ईयर एंड पे किया है क्योंकि यहां लिखा भी हुआ है लिखा हुआ है एट ईच ईयर एंड थ्री फिफ्टी का पेमेंट होगा पर अगर मैं आपको बोलूं कि सिचुएशन चेंज हो जाए सिचुएशन मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रहा हूं डिफरेंट सिचुएशन थ्री फिफ्टी एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर अगर हर साल के बिगिनिंग में थ्री फिफ्टी हो जाता एडवांस पेमेंट हो जाता तो फिर क्या क्या चीजें होती ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होता पर इंस्टीट्यूट बैंड बजा सकता है अगर उसने यह पूछ लिया बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर करके तो यहां पर जब आप ईयर वाइज कैलकुलेशन करोगे ईयर वाइज कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर एंड ये बिगनिंग है ये बिगनिंग है ये बिगिनिंग है ये बिगिनिंग है, है और यह एंड है अब यहां पर जो आप अमाउंट लिख रहे हो सॉरी एम लिख रहे हो ये थ्री फिफ्टी बिगनिंग थ्री फिफ्टी बिगनिंग और फोर्टी थाउजेंड एंड पे लिख रहे हो तो जो यहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करोगे ना तो इसको आप वन से मल्टीप्लाई करोगे इसको आप वन से मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले साल को किससे मल्टीप्लाई करोगे वन से मल्टीप्लाई करोगे आप फर्स्ट ईयर वाले को ठीक है और जो आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां पर लिया था पॉइंट एट सिक्स टू वन वो आप यहाँ से शुरू करोगे पॉइंट एट सिक्स टू वन चलो आप मेरी हेल्प करना ठीक है पॉइंट सेवन फोर थ्री टू पॉइंट सेवन फोर थ्री टू फिर पॉइंट सिक्स फोर जीरो सेवन पॉइंट सिक्स फोर जीरो सेवन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइव फाइव टू थ्री क्योंकि ये तो ईयर एंड पर ही है फाइव फाइव टू थ्री ये तो आपका ईयर एंड पर ही है तो इस तरीके से होगा अब मुझे बताइए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट कितने आएंगे प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट कितने आ जाएंगे मतलब सर आप यह कहना चाहते हो क्या पहले पेमेंट को हम एक तरीके से डाउन पेमेंट मान लें हाँ पहले पेमेंट को हम डाउन पेमेंट मान लेंगे ठीक है चलिए मुझे बताइए पहला पेमेंट कितना आ जाएगा थ्री फिफ्टी का थ्री फिफ्टी फिर उसके बाद आपका कितना आएगा उसके बाद आएगा, आएगा थ्री जीरो फिर कितना आएगा टू सिक्सटी वन ट्वेंटी यही था ना शायद टू सिक्सटी वन ट्वेंटी टू टू फोर टू फोर फाइव टू टू फोर टू फोर फाइव बस और फोर्टी थाउजेंड का इलेवन फिफ्टी सेवन ये आ जाएगा इलेवन फिफ्टी सेवन एट थर्टी टू मान लो मान लो ये ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी अज्यूम करो फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू अज्यूम करो बारह लाख रुपए है फेयर वैल्यू अज्यूम करो मैं बोल रहा हूं फेयर वैल्यू अज्यूम करो बारह लाख रुपए है ठीक <laughs> <sharp> है फेयर वैल्यू अज्यूम करो बारह लाख रुपए है वन वन फाइव सेवन आ गया ठीक है बारह लाख रुपए अज्यूम है तो बताओ मुझे लोवर क्या होगा लोअर क्या होगा वन वन फाइव सेवन एट थ्री टू वन वन फाइव फाइव सेवन एट थ्री टू ठीक है यही आ रहा है ना मुझे प्लीज कन्फर्म करेंगे क्या तीन सौ पचास थ्री जीरो वन थ्री सेवन फाइव दो सौ साठ एक सौ बीस टू टू फोर टू फोर फाइव टू टू जीरो नाइन टू वन वन फाइव सेवन एट थ्री टू आ रहा है वन वन फाइव सेवन एट थ्री टू आ रहा है बेटा वन वन फाइव एट कैसे आ रहा है तुम लोगों का टू सिक्स जीरो वन टू जीरो टू टू फोर टू फोर फाइव टू टू फोर टू 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 फोर फाइव टू टू जीरो नाइन टू हाँ जी उन्नति बिल्कुल हमेशा लास्ट ईयर का करके करना है वन वन फाइव एट वन नाइन टू फर्स्ट वाला थ्री फिफ्टी नहीं लिखा अबे सब तो लिख दिया 150, 350 लिख दिया ना वन वन फाइव एट चलो तुम लोग बोल रहे हो वन वन फाइव एट बट आई कांट आइडेंटिफाई की कहा गड़बड़ हुई मुझसे फोर थ्री टू टू सिक्स जीरो वन यही तो आ रहा है तो मैंने कितना यहां पर लिया थ्री अच्छा, जीरो मैं कैलकुलेशन में उल्टा ले रहा था वन वन फाइव एट वन नाइन टू ये आ रहा है अब जब आप फाइनेंस चार्जेस निकालोगे जब आप फाइनेंस चार्जेस निकालोगे तो थोड़ा सा टेबल चेंज करना पड़ेगा ये देखिए ओपनिंग उटस्टैंड ईयर वन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या बोला था कि तुम डायरेक्टली फाइनेंस चार्जेस निकालो डाउन पेमेंट माइनस करके अब या तो तुम इसमें से डाउन पेमेंट माइनस करो या तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करो अब तुम पहले पेमेंट दिखाओ क्योंकि तुम बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हो पेमेंट आपका बिगिनिंग में हो रहा है तो तुम सबसे पहले ये पेमेंट करोगे थ्री फिफ्टी सबसे पहले पेमेंट करोगे थ्री फिफ्टी फिर तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा बैलेंस आउटस्टैंडिंग अरे करो करो तुम्हारा बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा थोड़ा सा मुझे जगह फिर आपको पेमेंट दिखाना है इमीडिएटली आपने थ्री फिफ्टी का पेमेंट किया फिर आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना बचा कितना बचा एट जीरो एट, एट अब निकालो फाइनेंस चार्जेस पे एट जीरो एट वन नाइन टू का सोलह परसेंट मतलब ये आया वन टू नाइन थ्री वन वन अब इन दोनों को ऐड कर दो यह आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस एट जीरो एट वन नाइन टू वन टू नाइन थ्री वन वन ये हो जाएगा नाइन थ्री सेवन फाइव जीरो थ्री ईयर नाइन फिर आप पे करोगे थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी पे करोगे रिमेनिंग बचेगा फाइव एटी सेवन फाइव जीरो थ्री फिर आप पे करोगे सोलह परसेंट ये आ जाएगा आपका नाइन्टी फोर थाउजेंड और इसको पे करोगे सिक्स एटी वन फाइव जीरो फाइव जीरो थ्री ठीक है सिक्स एटी वन फाइव जीरो थ्री चलिए फिर थर्ड ईयर सिक्स एटी वन फाइव जीरो थ्री पे करोगे आप थ्री फिफ्टी थर्ड ईयर के बिगिनिंग में तो बचेगा थ्री थ्री वन फाइव जीरो थ्री इसके ऊपर आप फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करोगे फिफ्टी थ्री जीरो फोर वन और प्लस करके आ जाएगा थ्री एटी फोर फाइव और चौथे साल में 384544 अब मुझे बताओ यहां कितना पेमेंट करोगे मुझे बताओ यहां कितना पेमेंट करोगे ध्यान से सुनना तुम्हारे चौथे साल के बिगिनिंग में तुम 350 ही कर रहे हो एंड में जाके तुम 40 कर रहे हो नालायक एंड में तुम्हारा 40 है ठीक है एंड में तुम्हारा 40 है 390 मत कर लेना बाल निचोड़ लूंगा मैं तुम लोगों के थ्री नाइनटी मत कर लेना बाल निचोड़ लूंगा मैं बता रहा हूं चुटिया पकड़ के हाँ चलो थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी तो कितना बचा ये बचा थ्री फोर फाइव फोर फोर अब मुझे बताओ क्लोजिंग कितना बचना चाहिए क्लोजिंग तो बचना चाहिए चालीस ना बिकॉज वो तो हम में भी करेंगे क्लोजिंग तो 40 बचना चाहिए तो वो हम इंड पे पकड़ेंगे तो इसीलिए अब इन दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इन दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा करो थ्री फोर फाइव फोर फोर माइनस चालीस हजार यह आ जाएगा फाइव फोर फाइव सिक्स फाइव फोर फाइव सिक्स फाइव फोर फाइव सिक्स फाइव फोर फाइव सिक्स मैं आपको आज ही के दिन वार्निंग दे देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर स्पैमिंग करेगा ना मैं उसको हटा दूंगा एक ही बार में मैं उसको हटा दूंगा कोई भी व्यक्ति अगर स्पैमिंग करेगा ना मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा ठीक है मैं प्रॉपरली हटा दूंगा सबको फिर चलो और फिर एक तरीके से तुम फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में चालीस हजार आए और चालीस तुमने पे कर दिया ड खत्म हाँ, नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए बेटा इसके अलावा आपको क्या याद रखना चाहिए क्योंकि लेसी होता है तो लेसी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन सर कैसे चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन जो भी एसेट की वैल्यू है माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लीस्ट टर्म डेप्रिसिएशन का क्या होगा सर डेप्रिसिएशन बाय लेसी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है क्या होगा ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन इनिशियल वैल्यू ऑफ असेट माइनस जीआरवी डिवाइडेड बाय लीस टर्म माइनस जी आरवी डिवाइड बाई लीस टर्म क्योंकि वो रेसिडल वैल्यू है वो तो वो रिकवर हो सकती है बाद में वो बाद में वो रिकवर कर सकता है तो इसीलिए वो डेप्रिशन बैल ऐसी लगाएगा आपको आई होप इसके अलावा और कुछ समझ में और कोई दिक्कत नहीं आई होगी ठीक है चलिए ये क्वेश्चन हो गया

मतलब अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि बस करो कि ईयर एंड पे लेसी ने जीआरवी नहीं किया हाँ यहां पर हमने देखो जीआरवी पे किया था ना यहां पर देखो थ्री नाइनटी पे कर रहे थे हम ओरिजिनल सोल्यूशन में मैं ऑल्टरनेट की बात नहीं कर रहा हूं ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने थ्री नाइनटी पे किया था क्या सोचकर कि हमने फोर्टी थाउजेंड पे कर दिया क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम हमेशा मानेंगे कि जीआरवी पे कर रहे हैं पर अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि ईयर एंड होने के बाद खत्म लीज टर्म खत्म होने के बाद हम जीआरवी पे नहीं कर रहे हैं और असेट को हम वापस कर रहे हैं तो आपको ये आंसर आएगा आपका जीआरवी पे नहीं करेंगे तो हम असेट वापस करेंगे असेट वापस करेंगे तो असेट की जो भी बुक वैल्यू होगी उसको हम डी रिकोगनाइज करेंगे लीज लाइबिलिटी को भी हम डी रिकोगनाइज करेंगे और डिफरेंस को हम पी एड में ले जाएंगे मतलब एंट्री होगी लॉजिकली आपकी एंट्री होगी लीज लाइबिलिटी डेबिट टू असेट जो भी उनका बुक वैल्यू होगा बुक वैल्यू होगा और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो पीएनडल में चला जाएगा डिफरेंस जो आएगा वो पीएनडल में चला जाएगा बोलो बेटा यस yes, डेप्रीदेशन में जब तक वो आपको कुछ ना बोले तब तक आपको एस एल एम करना है जब तक वो आपको कुछ न बोले तब तक आपको एस एल एम करना है तब तक आपको एस एल एम करना है ठीक है चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं सर आपकी अगर रिक्वेस्ट रहे तो हां सर आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं सर अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर डाउन पेमेंट ऑल टाइम लेस होगा डाउन पेमेंट ऑल टाइम लेस होगा बिल्कुल बेटा डाउन पेमेंट तो क्या होता है जो आप इमीजिएट पेमेंट कर रहे हो नलायक आदमी सोचो डाउन पेमेंट पे कभी क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा क्या बैंक अगर कभी तुम बैंक से लोन लेते हो या तुम अगर पेमेंट इमीडिएटली रीपे कर देते हो तो क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या हाँ कैसी कैसी बातें करते हो ठीक है अक्षत इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन अ मशीन ऑन लीज फॉर थर्टी सिक्स मंथस इट्स यूजफुल लाइफ इज मंथ्स अब देखो यूजफुल लाइफ अलग है और मशीन थर्टी सिक्स मंथ के लिए दे रहे हैं कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज फाइव लैक तो अब एक एक करके हम इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे एक एक करके इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर टू क्या क्या इंफॉर्मेशन है बेसिकली uh, सबसे पहले है लीज टर्म थ्री इयर्स थर्टी सिक्स मंथस और यूजफुल लाइफ क्या है फाइव इयर्स सिक्सटी मंथस ठीक है सर ये आरआर में कवर है सर ये आरआर में हो गया है दिस क्वेश्चन इसका ये आरआर में हो गया है तो आप मुझे खुद ही बता दो कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या ये क्वेश्चन आरआर में कवर था ठीक है ये क्वेश्चन आरआर में कवर था तो इसमें कोई अच्छा ये आरआर में मैंने कवर क्यों किया था मैं आपको बता रहा हूं इसमें ना अमाउंट विल बी पेड इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट पर वो इंस्टॉलमेंट नहीं बता रहा आपको शायद मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि जो लीज पेमेंट है जो लीज पेमेंट है एनुअल लीज पेमेंट जो है उसको आपको एक्स मानना पड़ेगा इक्वल एवरी ईयर इक्वल एवरी ईयर राइट एम आई राइट क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या मैं सही बोल रहा हूं आपको एनुअल लीज पेमेंट एक्स मानना पड़ेगा वो बोल रहा है दूसरा इसमें और क्या बोल रहा है इसमें आपको वो यूजीआरवी दे रहा है यूजीआरवी वो आपको कितने की दे रहा है फिफ्टी थाउजेंड वो थाउजेंड की दे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दस परसेंट के हिसाब से तो हमने मैंने आपको इसमें बताया था कि बेसिकली आयर आर क्या होता है आयर आर उसने आपको दस परसेंट दिया है आयर आर का मतलब क्या होता है इट इज रेट इट इज रेट कौन बताएगा कौन बताएगा चलो मुझे बताओ मैं जानबूझ के छुपा रहा हूं कौन बताओ इट इज अरेट आर आर पढ़ के आयो ना नलाय को आर आर पढ़ के आओ ना देखते आर आर से कौन कौन बताता है आर आर का मतलब क्या होता है इट इज अरेट एट विच इट इज अरेट एट विच कुछ बताया था बोलो एट विच एट विच एट विच वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इट इज द रेट एट विच समेट वैल्यू ऑफ जी आई एल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आई डी सी आई डी सी मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जी आई एल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जी आई एल मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज अरे यार मजा आ गया तुम लोगों ने रिप्लाई किया ना ये रिप्लाई चाहिए मुझे मुझे फालतू के मैसेजेस नहीं चाहिए मुझे पढ़ाई की बातें चाहिए ये ये जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं ना ये सितंबर 24 में क्लियर होने वाले मैं बोल रहा हूं ये बच्चे सितंबर 24 में क्लियर होने वाले हैं जो फालतू 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 के बस डाउट पूछते रह जाएंगे ना वो उनका उनका भगवान मालिक चलो वेरी गुड सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू प्लस आई डी सी तो जी आई एल में तुम क्या लेते हो जी आई एल में तुम लेते हो एमएलपी प्लस यू जी आर वी एमएलपी प्लस यू जी आर वी एमएलपी प्लस यू जी आर वी mlp प्लस ugrv तो तुमने क्या किया अच्छा mlp में क्या अब इस mlp प्लस ugrv को जब खोलना शुरू करेंगे तो क्या-क्या आएगा mlp में क्या अंदर क्या-क्या आता है dp आता है एनुअल रेंट आता है और grv आता है क्वेश्चन के अंदर ना dp दिया हुआ है ना grv दिया हुआ है सिर्फ एनुअल लीज रेंट को हम xxx मानेंगे और अलग से ugrv आपका 50 आ जाएगा तो आप x x और x plus 50 क्योंकि 3 साल है 1 2 3 और इन सब प्रेजेंट वैल्यू

आई डोंट नो कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू आई डोंट नो ये पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आई डोंट नो पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू किसी के पास है क्या ये एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपन क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो बेटा कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू वन एटी फाइव नाइन फिफ्टी सिक्स ये वन एटी फाइव नाइन फिफ्टी सिक्स तो इन सब का वापस से आपको प्रेजेंट वैल्यू वैल्यून एटी फाइव ये कवर तो इस क्वेश्चन में बता रहा है किसेंट से ज्यादा तो मतलब जाएगा फिर इससे पूछ रहा है कि अनाड फाइनेंस इनकम निकालो चलो मुझे कौन बताएगा अनाड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला चलो मुझे बताओ मुझे बताओ अनांड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला क्या होगा फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला क्या होगा जी आई एल माइनस जी आई एल माइनस एनआईएल जी आई एल माइनस एनआईएल ठीक है एनआईएल क्या होता है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल अब बच्चों को यहां समझ में आ गया होगा ये अभ्यास बैच का टारगेट आपको समझ में आ गया होगा मैं जो शुरू में आपको बोल रहा था वो सारे बच्चे जो फालतू के टाइम पास के लिए जुड़े हैं या जो ये एक्सपेक्ट करके आए हैं कि नहीं 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 सर तो ना पूरा रिवीजन करवाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे भाई साहब हर किसी के टाइम की अहमियत को समझो तो यहां पर मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि आपको रैपिड रिविजन करके आना पड़ेगा आपको रैपिड रिविजन करके आना पड़ेगा मैं आपको साथ में क्वेश्चन करवा दूंगा ठीक है चलो चलो तो अपन ये क्वेश्चन को फिर भी मैंने आपके लिए डिस्कस कर लिया एक तरीके से आपका रिविजन हो गया एक तरीके से चलो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर आओ बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर आओ तीसरे क्वेश्चन पर आओ मुझे बता देना ये पता नहीं ये था कि नहीं था अपने आरआर में सन लिमिटेड लीज द मशीन टू मून लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स सन ने मून को दिया तो सन कौन हो गया लेसर और मून कौन हो गया लेसी ठीक है मून कौन हो गया लेसी चलो मुझे बताओ चलो आ जाओ उसके बाद फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन फाइव लाख Term, 4 साल ज़्यादा ज़्यादा है है अब देखो expected अगर है और जी कम है तो UGRV निकाल सकते हो पर UGRV सिर्फ लेसर के पॉइंट ऑफ से निकलेगा तो कितना निकलेगा UGRV आपका वन फिफ्टी मैं बस बता रहा हूं आपको जरूरी नहीं कि अपने को यह काम आया अभी बता रहा हूं आपको ठीक है

तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे सबसे पहले बताओ ये क्वेश्चन आर आर में तो नहीं था ना ये क्वेश्चन आर आर में तो नहीं था ना हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी एस पर कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी फॉर लेसी और लेसी तो यहां लिखो एस पर ए एस नाइनटीन आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ एस पर एस नाइनटीन लीज लाइबिलिटी शेल बी इनिशियली रेकोग्नाइज नालायको तुम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ना राइटिंग प्रैक्टिस लिखने की ना प्रैक्टिस ही नहीं है आदत ही नहीं है अपना सबको आदत लगवा के रहूंगा मैं लिखने की लीज लाइबिलिटी शेल बी इनिशियली रिकोगनाइज एट लोवर ऑफ कैलकुलेटर पे सबसे सॉल्व हो जाता है सबसे सॉल्व हो जाता है सालो लिखते नहीं हो बस तुम एट लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी और फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ असेट फेयर वैल्यू ऑफ असेट ठीक है अरे यार ये ऐसा हो गया क्या अच्छा सॉरी गलत जगह कर दिया था मैंने ठीक है तो चलो आ जाओ कैलकुलेशन कैलकुलेशन सर एक बात बताओ हम सर शॉर्टकट कर सकते हैं क्या इन चारों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें सिक्सटीन लाख से देखो यार करने को कर सकते हो पर मैं मोस्टली इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में ना इस टाइप का टेबल ही देखता हूं तो यार मेरे को ना मेरे को तो डर लगता है भाई मेरे को तो पास होना है मेरे को तो डर लगता है भाई मैं तो पूरा करके आऊंगा है ना मैं तो पूरा करके आऊंगा भाई एम एल पी वन टू थ्री फोर सर ये बता दो कि सिक्सटीन लाख कब कब पे होगा कुछ बताया नहीं है कुछ बताया नहीं है तो सर क्या माने एट एंड अज्यूम करो एट एंड रेंट कब पे हुआ है कुछ नहीं बताया तो अज्यूम करो एट एंड अरे को समझ में आ गए अच्छा एक एक और चीज बताऊं आपको एक अच्छी चीज बताऊं एक काम कर सकते हो तुम लोग जितनी जितनी बातें तुम्हें इस मेरी अभ्यास बैच में नई नई लग रही है लग रहा है हा यार ऐसा तो सर ने नया बताया ये चीज मुझे पता नहीं थी ये चीज पता नहीं थी तुम उन चीजों की समरी बनाते जाओ तुम उन चीजों की समरी बनाते जाओ जो जो बातें मैं तुम लोगों के साथ करता जा रहा हूं और तुम्हें लग रहा है अच्छा हाँ ये तो अभी मालूम पड़ा ओके अच्छा ये अज्यूम करना है कि लीज रेंट अगर कुछ ना बोला जाए तो यह रेंट पे मानेंगे तो ना उस चीज की समरी बनाते जाओ वन पेज समरी बनेगी सिर्फ ज्यादा नहीं टेंशन होगा आधा पेज वन पेज समरी बन जाएगी तो वो सम, समरी क्या करोगे सम, समरी तुम रिफर कर सकते हो लास्ट के लिए समरी तुम रिफर कर सकते हो चलो मुझे बताओ कितने लोग बनाएंगे चलो मुझे बताओ कितने लोग बनाएंगे आज देखता हूं कितने लोग बनाते हैं नलायक लोग चलो आगे सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख और सर grv आएगा थ्री लाख सर हम थ्री लाख और सिक्सटीन लाख को ऐड करके कर सकते हैं हाँ कर सकते हो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ठीक है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वेरी गुड आई हैव रिटर्न विथ रेड पेन डन सर मी सर ओके सर बनाओ बेटा मैं बोल रहा हूँ बनाइए प्लीज़ हेल्पफुल होगा आपके लिए चलो 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 आगे आ जाओ अभी एट सिक्स नाइन सिक्स सेवन फाइव सिक्स वन सिक्स फाइव प्लीज यार हेल्प कर दो एट सिक्स नाइन सिक्स सेवन फाइव सिक्स वन सिक्स फाइव सेवन फाइव सिक्स फाइव सेवन फाइव उसके बाद सेवन फाइव सेवन एट फाइव सेवन वन एट फाइव सेवन वन एट ठीक है भाई प्लीज हेल्प कर दो रे हां प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट अगर आप मुझे टोटल भी बता दो तो चलेगा अगर आप मुझे टोटल भी बता दो तो चलेगा थर्टीन नाइनटी वन थ्री सिक्सटी ये कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक से तो नहीं बताया ना कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक से तो नहीं बताया ना तुम लोगों ने आई होप ये आपने प्रॉपर कैलकुलेटर किया है कैलकुलेट किया है क्या ये कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक है क्या तो वो हमसे क्या पूछ रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लीज लाइब्रेटी तो रुक जाओ अभी तो ये हो गया आपका ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल अच्छा अच्छा तुमने सॉरी 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 यह तु पहला वाला बता रहे हो तो मुझे टोटल बताओ ना यारोर्टी सेवन लैख उज फाइव फोर्टी फोर्टी सेवन लैखी नाइन थाउजेंड फाइव फोर्टी ठीक है दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ मशीन. मशीन क्या नाम था मशीन था उसके बाद फेयर वैल्यू कितनी थी फिफ्टी लैख बताओ जी फेयर वैल्यू कितनी थी फिफ्टी लैख फेयर वैल्यू कितनी थी फिफ्टी लैख इस लेक्चर के एंड में ना इसके ऊपर मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा बोनस टिप दूंगा हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ चीजें ट्रिकी डाल दे तो मैं आपको एक बोनस ट्रिप टिप दूंगा आपको तो बताओ देअर फोर वैल्यू ऑफ मशीन फॉर लेसी इज इक्वल टू फोर्टी सेवन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव फोर्टी ठीक है चलो ये हो गया कैलकुलेशन किसके लिए ये कैलकुलेशन किसके लिए किया हमने लीज लाइबिटी फॉर लेसी चलो अब बताओ कैलकुलेशन ऑफ अनाड फाइनेंस इनकम फॉर लेसर फॉर लेसर तो मुझे बताओ अनाड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला जी आई एल माइनस अब मुझे बताओ जी आई एल में क्या क्या आता है जीएल में क्या क्या आता है जीएल में आता है एम एल पी प्लस यू जी आर वी यू जी आर वी हमने निकाला क्या यू जी आर वी कितना है यू जी आर वी है आपका वन फिफ्टी जो आपकी एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू होती है उसमें से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू हटा दो ठीक है उसके बाद आपका एनआईएल क्या होता है एन मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी एट आई एट इंप्लेसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है चलो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे अपन के पास पहले अपन जी आई एल निकालेंगे जी आई एल निकालो चलो जी आई एल एक सेकेंड एक सेकेंड कैलकुलेशन कर लेते हैं ईयर वन टू थ्री फोर यहां कर दो जी आई एल जी आई एल में क्या क्या आएगा एमएलपी डीपी है नहीं एनुअल लीज रेंट कितना है सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख सिक्सटीन लाख फोर्थ ईयर में एक और होगा जी 3 थ्री लाख और फोर्थ ईयर में एक और होगा वन फिफ्टी यू जी आर वी तो ये क्या है ये आपका एम एल पी है और ये क्या है आपका यू जी आर वी है ठीक है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट कौन सा परसेंटेज था जो भी परसेंटेज था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पंद्रह परसेंटेज ये आपको दिया हुआ है वही सेम एट सिक्स नाइन सिक्स वाला एट सिक्स नाइन सिक्स सिक्स फाइव वन ठीक है और सिक्स फाइव सेवन फाइव सिक्स फाइव सेवन फाइव और फाइव सेवन वन एट अब यहां देखो पॉइंट फाइव सेवन वन एट पॉइंट फाइव सेवन वन एट पॉइंट फाइव सेवन वन एट आई थिंक तुमने पिछली बार इन सब का प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 4739 ये सारी चीजें इसमें रिपीट हो रही हैं सिर्फ 150 का अलग से निकाल के प्लस कर दो 150 का अलग से निकाल के प्लस कर दो चलो बताओ ये आ जाएगा तुम्हारा एनआईएल और ये जीआईएल आ जाएगा टोटल 16 इंटू चार और साढ़े चार ये हो गया सिक्सटी एट लैख फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी एट लैख फिफ्टी थाउजेंड तो अगर तुम तो एनआईएल मुझे निकाल के दे सको तो बढ़िया हो जाएगा काम यार एट फाइव सेवन सेवन जीरो उसमें प्लस कर देते हैं फोर सेवन थ्री नाइन फाइव फोर जीरो तो ये हो जाएगा फोर्टी एट ट्वेंटी फाइव थ्री वन जीरो फोर्टी एट ट्वेंटी फाइव थ्री वन जीरो चलो बोलो यह हो गया जी आई एल ये हो गया एनआईएल तो अब बताओ अन फाइनेंस इनकम जी आई एल माइनस एन आई एल कितना सिक्सटी एट फिफ्टी माइनस फोर्टी एट ट्वेंटी फाइव थ्री वन जीरो फोर्टी एट फिफ्टी कितना हो गया सर कितना हो गया ट्वेंटी लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स सर ये अन्य फाइनेंस इनकम कब आया एट बिगिनिंग ऑफ टर्म बिगिनिंग ऑफ टर्म ये तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ लीस्ट टर्म पे इनकम आया चांसेस ना के बराबर है पर हो सकता है वो आपसे बोले कि ये तो आपने यूएफआई निकाला हमें आप यूएफआई निकाल के दीजिए एंड ऑफ लीस्ट टर्म पे हमें आप यूएफआई निकाल के दीजिए एंड एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे यूएफआई एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एंड uh, में हमें निकाल के दीजिए आप जानते हो फर्स्ट ईयर के एंड में थोड़ा सा कम हो जाएगा यूएफआई बताओ क्यों हो जाएगा कम कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट में आप ये लाख कर चुके हो तो बाकी का टोटल हो जाएगा जी में चलो बताओ जल्दी बताओ फर्स्ट ईयर का ये पे करने के बाद बाकी का टोटल कितना हुआ न जल्दी बताओ बाकी का टोटल कितना हुआ ये हुआ फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ये जी आई एल हुआ कि नहीं फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बोलो बेटा हा माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी आई एल जो एनआईल अब इसी फिफ्टी टू फिफ्टी की मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इसी फिफ्टी टू फिफ्टी की मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तुम ये मत करना कि अच्छा तो अगर हमने ये कर दिया तो एक काम करो ये कर दो बेटा अब 16 लाख ,00 पे ये परसेंट लगेगा इस वाले पे ये लगेगा इस वाले पे ये लगेगा और इस वाले पे ऐसा कुछ समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं ये ये और इन तीनों पे ये लगेगा लगाओ 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 लगाओ, लगाओ चलो 16 लाख मल्टीप्लाई बाय एट सिक्स नाइन सिक्स सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय सोलह साढ़े चार बीस पचास मल्टीप्लाई बाय नाइन फाइव थर्टी फोर्टी एट नाइन नाइन फाइव करके बताओ सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय एट सिक्स फिर मल्टीप्लाई बाय सेवन फाइव सिक्स वन और बीस पचास मल्टीप्लाई बाय सेवन सिक्स फाइव सेवन फाइव थर्टीन फोर्टी एट आई एम श्योर हंड्रेड परसेंट यह आ रहा है थर्टी नाइन फोर्टी एट नाइन नाइन फाइव थर्टी नाइन फोर्टी एट नाइन नाइन फाइव ठीक है तो ये बताओ ये आ गया तेरा लाख एक हजार एक हजार पांच रुपए ये आपका आ गया अन फाइनेंस इनकम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी अनर्ड फाइनेंस इनकम आ गई अरे नालायकों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो एक और शॉर्टकट बताऊं इसका एक और शॉर्टकट बताऊं शॉर्टकट शॉर्टकट बताऊं बेटा अनं फाइनेंस इनकम बेसिकली क्या होता है अनंट फाइनेंस इनकम होता है एक दो तीन चार पूरे चार साल की इनकम पूरे चार साल की इनकम पूरे फोर इयर्स की इनकम अगर तुम इसमें से फर्स्ट ईयर की इनकम माइनस कर दो तो यही इसी के आसपास आएगा अगर तुम इसमें से फर्स्ट ईयर की इनकम माइनस कर दो तो इसी के आसपास आएगा तो शॉर्टकट बताओ इसका एक काम करो बीस चौबीस कर सर, फर्स्ट ईयर की फाइनेंस तो तो अरे आसान है प्रेजेंट वैल्यू कितने प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड किया है 48. 25 पे। अगर तुम का बनाओगे, तो ओपनिंग तुम ये लोगे और इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे ओपनिंग तुम ये लोगे। इसके तुम 15 का निकालोगे। तो निकालो फोर्टी एट ट्वेंटी मल्टीप्लाई है पंद्रह नाइन सेवन बीस चौबीस छ सौ नब्बे माइनस सेवन टू थ्री सेवन नाइन सेवन ये आ गया तेरह लाख जीरो जीरो एट नाइन थ्री सर आपका तो मैच ही नहीं हो रहा अरे बहुत ही राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस बिकॉज ऑफ वो आएगा बेटा ठीक है? 112 का डिफरेंस का आ रहा है, है? है ठीक तो ये shortcut है कि आप major जो आपने सबसे पहले निकाला, उसमें से ईयर की इनकम माइनस कर दो तो रिमेनिंग आपका आनंद निकल जाएगा बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं ऐसी कुछ कुछ जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना ये चीजें ना आपको ना नोट करनी है ठीक है ये चीजें आपको नोट करनी है सबको क्लियर हो रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री डन क्वेश्चन नंबर थ्री डन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर देख के मुझे बताना ये ऑपरेटिंग लीज का लग रहा है रैपिड में करवाया था क्या वाला सर वापस बता दो बता सकते हो प्लीज फर्स्ट ईयर वाला निकालने का सिंपल तरीका देखो फर्स्ट ईयर के एंड में पूछ रहा है ना तो इस पेमेंट को हटा दो बाकी के जो पेमेंट बचेंगे वो तुम्हारी रिमेनिंग जी और इन सब की अब वापस से प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो कहने का मतलब इसको वापस से इसको वापस से और इन तीनों को वापस से इस रेट से करो तो तुम्हारा एनआईएल आ जाएगा यह तरीका हुआ दूसरा तरीका मैंने बोला कि अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो तुम्हारा जो मेन यूएफआई है ना उसमें से पहले साल का इनकम माइनस कर दो बिकॉज यू का मतलब होता है कि तुम टोटल इनकम कितनी बुक करने वाले हो चार साल में एट ंग पे खड़े होके हम ये बता रहे हैं कि हम टोटल मिला के 20, 24, की इनकम बुक करने वाले क्योंकि लेसर बोल रहा है कि मुझे कुल मिला के 68, 50, मिलेगा जिसका आज का प्रेजेंट वैल्यू फोर्टी एट है तो मुझे बाकी का तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मेरा इंटरेस्ट होगा उसमें से अगर मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो बाकी का जो यू एफ आई आया वो मेरा अगले तीन साल का इंटरेस्ट होगा यू एफ आई एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब बाकी का और कितना इनकम बुक करूंगा बाकी सालों में तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर दे सर ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकाला सर जैसे तुम शेड्यूल बनाते बनाते हो हो जैसे तुम शेड्यूल शेड्यूल ये वाला schedule में कैसे रखते हो ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग वैल्यू कितनी लिखी तुमने ओपनिंग वैल्यू लिखी तुमने फोर्टी एट उसके ऊपर डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल लिया तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया ठीक है क्वेश्चन फोर डन इन आर आर वेरी गुड क्वेश्चन फोर आरआर में हो गया है क्या अच्छा आई थिंक ये क्वेश्चन फोर ऑपरेटिंग लीज का है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता दूं ठीक है ऑपरेटिंग लीज के बारे में मैं एक चीज का छोटा सा रिविजन करवाना चाहूंगा सबको ऑपरेटिंग लीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लेसी हो या लेसर हो लेसी हो या लेसर हो दोनों दोनों देखो लेसी होगा तो वो क्या बुक करेगा लेसी होगा तो वो एक्सपेंस बुक करेगा और लेसर होगा तो क्या बुक करेगा इनकम बुक करेगा लेसी लेसर इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे इनकम को कैसे रिकॉर्ड करोगे ऑन एस एल एम बेसिस एस एल एम बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, करेंगे। ठीक है ना अगर मान लो वन टू थ्री फोर चार साल का लीज रेंट कुछ ऐसा है वन लाख वन थर्टी वन फिफ्टी एंड वन एटी तो चार साल का रेंट ऐसा है तो आप टोटल करिए चलिए जल्दी टोटल करिए कितना आएगा वन लैख वन थर्टी वन एटी टोटल आ गया फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर फाइव सिक्सटी डिवाइड बाई फोर आप एस एल एम बेसिस पे फोर वन फोर्टी का एक्सपेंस हर साल बुक करोगे ऑन एस एल एम बेसिस इसको कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी और एनी अदर बेसिस इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई आपको एस एल एम नहीं फॉलो करना है अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा बेसिस लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा आपका सेकेंड प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी तो यह जो लिखा है ना ये इसी क्वेश्चन में आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर जो लीज है वो तीन साल के ऑपरेटिंग लीज पर है लाइफ आपकी पांच साल है मशीन से आउटपुट मिलने वाला है फोर्टी थाउजेंड यूनिटीवेंटी थाउजेंड यूनिट 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 ठीक है तो ये यूनिट्स का आउटपुट उन्होंने आपको दे दिया है यूनिट्स का आउटपुट दे दिया है तो हम इस क्वेश्चन में लीज रेंट बुक कर रहे हैं यूनिट्स के आउटपुट के बेसिस पर ठीक है आई मेरी बात समझ में अब मैं आपको इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर रहा हूं हमारा ईयरली रेंटल कितना हो गया 140। तो अगर मैं लेसी की बुक्स की बात करूं मान लो अगर वो आपसे एंट्री पूछ रहा है तो फर्स्ट ईयर में मैं क्या एंट्री पास करूंगा मैं एंट्री पास करूंगा लीज रेंट एक्सपेंस वन और पे कितना करूंगा बताओ बताओ पे कितना करूंगा वन लैख तो मैं करूंगा टू बैंक टू बैंक वन लैख और टू करूंगा लीज इक्वलाइजेशन लीज इक्वलाइजेशन कितना फोर्टी सर ये इक्वलाइजेशन क्या है अरे वो डिफरेंस जो है ना मैंने उसको एक अकाउंट बना लिया लीज इक्वलाइजेशन ठीक है अब सेकेंड ईयर में क्या होगा सेकेंड ईयर में क्या होगा लीज रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अगेन वन फोर्टी और पेमेंट कितना करूंगा पेमेंट करूंगा वन थर्टी तो मैं इस बार भी लीज इक्वलाइजेशन में डाल दूंगा टेन थाउजेंड अब आपका कुल मिला के लीज इक्वलाइजेशन हो गया चालीस फोर्टी और टेन फिफ्टी थर्ड ईयर में कितना पे यान फिफ्टी थर्ड ईयर में कितना पे करूंगा जबकि रिकॉर्ड कितना करूंगा वन फोर्टी कि तो देखो थर्ड ईयर में एंट्री क्या होगी लीज रेंट अकाउंट डेबिट वन फोर्टी पे कितना करूंगा बैंक से वन फिफ्टी तो जो लीज इक्वलाइजेशन मैंने अभी तक क्रेडिट किया था वो रिवर्स हो जाएगा लीज इक्वलाइजेशन आपका डेबिट हो जाएगा टेन थाउजेंड तो अब देखो आपका 40 प्लस माइनस अगेन बच गया लास्ट ईयर में आप रिकॉर्ड कितना वन फोर्टी पे कितना करोगे वन एटी तो इसका मतलब चालीस हजार बाकी का रिवर्स हो गया सेम टू सेम सिचुएशन आप लेसर की बुक्स में करोगे ठीक है बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक जो बच्चे इस सस्पेंस में जी रहे हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा बेटा ना ना अपना टाइम इन्वेस्ट करो चीजों में पहले तो चलो मैं अभी ना ना कोई पिन करके रखा है साफ साफ दिख रहा है डाउनलोड पीडीएफ ठीक है और मेरे पिछले के वीडियो देख लेना मैंने बताया है कि मैं ये मास्टर प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूं सबको ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव हमने किया है क्या रैपिड रिविजन में आर आर में किया है क्या आर आर में किया है आर आर में हुआ है बच्चे बोल रहे हैं आर आर में हुआ है तो ये जो क्वेश्चन है ये है सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक का तो सेल एंड ऑपरेटिंग लीज में चलो रिविजन ही कर लेते हैं मुझे बताओ रिविजन तो हो सकता है ना सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक के अंदर हाउ टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट मैंने कुछ रूल बताए थे आपको रूल वन रूल टू रूल थ्री बताओ बताओ चलो बताओ रूल वन चलो बताओ रूल वन चलो बताओ रूल वन क्या है सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक रूल वन क्या है जल्दी बोलो रूल वन रूल वन हमने क्या डिस्कस किया था सबसे पहले हमने रूल वन डिस्कस किया था इफ लॉस ऑन सेल तो उसको ट्रांसफर टू एल इमीडिएटली ट्रांसफर टू एल इमीडिएटली हा इसका भी एक एक्सेप्शन था इसका क्या था एक्सेप्शन क्या था कि अगर आपका लॉस कॉम्पनसेट हो रहा है फ्यूचर के लीज से तो आप उस लॉस को एंड एमोटाइज कर सकते हो इफ लॉस इज कॉम्पनसेटेड सर ये क्वेश्चन बताएगा ना हाँ आपको क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नहीं बता रहा तो आप दोनों फ्यूचर में आपका रेंट कम लगेगा तो इसका लॉस को डेफर एंड अमोटाइज कर दो चलो ये था रूल वन रूल टू क्या था एक्चुअली सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक में हम प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं जो सेलर सेल करके लीज पर वापस ले लिया मतलब लेसी की बुक्स में हम प्रॉफिट लेस की बात करते हैं रूल टू क्या था रूल टू में होगा आपको प्रॉफिट रूल टू में होगा आपको प्रॉफिट तो बताओ प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा था प्रॉफिट यहां पर अप टू अप टू फेयर वैल्यू प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू कहां जाएगा एल इमीडिएटली प्रॉफिट अप टू एल अप टू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट कहां जाएगा पी एंड एल में जाएगा ठीक है ये कैसे निकलेगा सर फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट बोलो 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 दूसरा दूसरा अब फेयर वैल्यू अब फेयर वैल्यू प्रॉफिट अबव फेयर वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू Price minus fair value. इसको क्या करेंगे आप term के proportion में defer and amortize करोगे over the term. कैसे करेंगे सर अरे यार आप इसको एस एल एम बेसिस पे करोगे ठीक है ना किस पे करोगे एस एल एम क्यों सर क्योंकि ऑपरेटिंग लीज तो में हम आ, कैसे बुक करते हैं रेंट को एस एल एम बेसिस पर ठीक है रूल नंबर थ्री क्या था रूल नंबर थ्री था इंपेयरमेंट याद है किसी को रूल नंबर थ्री क्या था इंपेयरमेंट याद है ना रूल नंबर थ्री इंपेयरमेंट जबकि मैंने यह भी बताया था कि सबसे पहले भाड़ में जाए रूल वन भाड़ में जाए रूल टू सबसे पहले आपको रूल थ्री लगाना है कुछ याद है कि नहीं कुछ याद है कि नहीं आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है इंपेयरमेंट लॉस बुक कब होगा अरे यार इंपेयरमेंट लॉस का एएस ए होता है वो क्या बोलता है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट कम हो किसी को ए एस ट्वेंटी थोड़ा बहुत हल्का हल्का धुंधला धुंधला तो ए एस ट्वेंटी एट बोलता है अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट कम है तो असट की वैल्यू गिरा दो तो यहां वो बोल रहा है कि आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है फेयर वैल्यू कम है तो आप लॉस को बुक करो और रिवाइज कैरिंग अमाउंट से फिर बाकी का रूल वन रूल टू निकालो ठीक है रिवाइज कैरिंग अमाउंट के ऊपर फिर रूल वन रूल टू लगाओ आई होप आपको समझ में आ गया होगा पर यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि अब मुझे बताओ सेल एंड फाइनेंस लीज बैक में क्या होगा सेल एंड फाइनेंस लीज बैक में क्या होगा चलो मुझे बताओ यही अगर मैं आपको बोलूं कि सेल एंड फाइनेंस लीज बैक में क्या होगा तो मुझे बताओ क्या होगा सेल एंड फाइनेंस लीज बैक सेल एंड फाइनेंस लीज बैक में जितना भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा पहले तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा कैसे प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू क्या करेंगे इसको इस प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे डेफर्ड एंड अमोटाइज ठीक है अपनी बुक्स में दिखाऊंगा तो डेप्रीसिएशन अगर एस एल एम लगा रहा हूं डेप्रिशियन अगर डब्ल्यू डब्यू लगा रहा हूं उसी तरीके से प्रॉफिट लॉस को बुक कर दूंगा बोलो बेटा क्लियर ये हो गया तुम्हारा एस नाइनटीन मैंने बोला था लास्ट में छोटी सी एक बोनस ट्रिप दूंगा दू मैं आपको एक बोनस ट्रिप बोनस टिप बोलो बोनस टिप दू मैं तुम लोगों को सुनने के लिए रेडी हो अच्छा ये ऑप्शनल है समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आए तो भाई तुम लोग देख लेना बता दू बोनस टिप तो देखो मुझे बताओ लेस लेसी की बुक्स में इसको समरी में बाद में जरूर डाल देना लेसी की बुक्स में फाइनेंस लीज में अट को किस पे रिकॉर्ड करते हो असेट को रिकॉर्ड करते हो लोअर ऑफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी एंड फेयर वैल्यू मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं मुझे बताना मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं एमएलपी वन टू थ्री तीन साल का फाइव लैख लैख और फाइव लैख कोई जी आर वी नहीं है कोई डाउन पेमेंट नहीं है टेंशन मत लो ठीक है फाइव लैख फाइव लैख फाइव लैख मुझे बताओ इनका प्रेजेंट वैल्यू एट टेन परसेंट कितना होगा चलो बोलो प्रेजेंट वैल्यू एट टेन परसेंट कितना होगा कैलकुलेटर से कर सकते हो यार शॉर्टकट कैलकुलेटर से कर सकते हो ट्वेल्व फोर्टी थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेल्व फोर्टी थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स तो यह आ गया ट्वेल्व फोर्टी थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स ठीक है ना फेयर वैल्यू है मान लो थर्टीन लाख फेयर वैल्यू है मान लो 13 लाख तो तुम व्हिच एवर इज लोअर क्या मानोगे व्हिच एवर इज लोअर तुम 1243 मानोगे ना बात खत्म इसमें कोई दिक्कत नहीं होती प्रॉब्लम कहां आएगी प्रॉब्लम कहां आएगी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फेयर वैल्यू है 11 लाख अब बताओ अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फेयर वैल्यू है 11 लाख अब बताओ व्हिच एवर इज लोअर क्या है लोअर इज 11 लाख लोअर क्या है इलेवन लैक है ना तो तुम्हें असेट को किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा असेट को किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इलेवन लैख पे प्रॉब्लम यह है कि असेट तो तुम इलेवन लैख पे रिकॉर्ड करोगे एंट्री करोगे असेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी इलेवन लैख इलेवन लैख पर जब तुम फाइनेंस चार्जेस निकालोगे जब तुम इंटरेस्ट निकालोगे अब तुम इंटरेस्ट दस परसेंट से नहीं निकालोगे नाउ टेन परसेंट रेट इज नॉट इज नॉट यूजफुल दस परसेंट का रेट तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज दस परसेंट पर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ग्यारह लाख आई नहीं रही है मुझे तो एक ऐसा रेट चाहिए जिसपे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू इलेवन लैख के बराबर आए नहीं तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा तो हम पता है क्या करेंगे हम करेंगे रिकम्प्यूट आई आर आई जो रेट है ना हम उसको रिकम्प्यूट करेंगे और जो जिस, जिसको 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 आईआरआर आर निकालना आता है शायद उसको पता होगा आईआरआर आर निकालने का तरीका कैसा क्या होता है एक ऐसा रेट जिस रेट पर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 11 लाख के बराबर हो द रेट एट व्हिच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15 लाख इज इक्वल टू इलेवन लाख वो रेट तो हम क्या करेंगे हम करेंगे टेन परसेंट टेन परसेंट हमने लिया हम करेंगे ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर मेथड तो हमने टेन परसेंट पर देखा तो टेन परसेंट पर तो इन सबकी प्रेजेंट प्रेजेंटल्व थर्ट फोर्टी थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स आ रही है ट्वेल्व फोर्टी थ्री फोर ट्वेंटी सिक्स आ रही है मुझे यह तो चाहिए ही नहीं मुझे तो यह चाहिए ही नहीं तो फिर क्या करें आ, मुझे वैल्यू कम करनी है मुझे वैल्यू इलेवन लाख चाहिए प्रेजेंट वैल्यू मुझे इलेवन चाहिए ट्वेल्व फोर्टी थ्री से इलेवन चाहिए मतलब रेट बढ़ाना पड़ेगा तो चलो रेट बढ़ा दो ट्वेल्व परसेंट कर दो ट्वेल्व परसेंट करो ट्वेल्व परसेंट पे ट्वेल्व परसेंट पे आ रहा है बारह लाख नाइन हंड्रेड सिक्सटीन और यार बारह परसेंट पे भी ज्यादा नहीं आ रहा है रेट और बढ़ा दो एक काम करो इन दोनों को हटाओ पे पे करो कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो ये आ रहा है लाख कुछ लगा जैकपॉट लग गया ऐसा रेट जो मेरे 11, के आसपास आए वो ज्यादा बेटर है अभी भी पर और कम करना है तो मैं एक काम करता हूं सिक्सटीन परसेंट ले लेता हूँ ये भी यार 16 परसेंट पे भी ना ओह oh माय गॉड 1122945 16 परसेंट पे भी ऐसा आ रहा है भाई साहब तो एक काम करो 15 भी हटा दो 17 परसेंट ले लो पाई लाख डॉलर्स 1.17 एक दो तीन सर एक बात बताओ इतना टाइम रखा है एग्जाम में हम ये करेंगे अबे नालायक कैलकुलेटर पे तो करना है टाइम नहीं लगता इतना इतन वन वन सेवन नाइन टू चलो अब ये थोड़ा बहुत तो आसपास आ गया थोड़ा बहुत तो आसपास आ गया हम क्या करेंगे हम करेंगे लोअर वाले रेट को हम बेस मान लेंगे हम इसको बेस मान लेंगे और हम एंट्री करें हम करेंगे 16%, मतलब मेरा जो रेट है वो सिक्सटीन से ऊपर ही है इवन सेवनटीन से भी ऊपर है पर मैं आप ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं अब मैं बनाऊंगा बॉक्स डब्बा मेथड कुछ बच्चों को याद होगा मैं मैं क्लास में सिखाता हूं मैंने रैपिड रिवीजन में भी सिखाया था डब्बा मेथड सिक्सटीन से सेवेंटीन गया इंक्रीज इन परसेंटेज वन वन परसेंट इंक्रीज वन परसेंट इंक्रीज जिससे अमाउंट कितना डिक्रीज हुआ डिक्रीज इन रुपी अमाउंट कितना डिक्रीज हुआ इलेवन ट्वेंटी टू नाइन फोर्टी फाइव माइनस वन वन जीरो फोर सेवन नाइनटी टू तो ये हो गया एटीन वन फिफ्टी थ्री एटीन वन फिफ्टी थ्री एटीन वन फिफ्टी थ्री मैंने वन परसेंट कम किया तो अमाउंट इतना कम हो गया मुझे अमाउंट कम करना है इलेवन ट्वेंटी टू नाइन फोर्टी फाइव से इलेवन मतलब मुझे अमाउंट कम करना है ट्वेंटी टू नाइन फोर्टी फाइव तो मुझे बताओ कितना रेट कम करना पड़ेगा ट्वेंटी टू नाइन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय एटीन वन फिफ्टी थ्री ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट टू सिक्स मतलब रेट हो गया सेवनटीन पॉइंट टू सिक्स तो बेसिकली अगर मैं फेयर वैल्यू को लोअर ले रहा हूं लोअर मेरा फेयर वैल्यू इलेवन इलेवन लैक तो इलेवन लैक पर यह इंटरेस्ट लगेगा जब मैं फाइनेंस चार्जेस का शेड्यूल बनाऊंगा तो ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वन और यहां इलेवन लैक जब लूंगा ना तो यहां पर इंटरेस्ट में लूंगा सत्रह पॉइंट छब्बीस परसेंट से तो इलेवन लैक मल्टीप्लाई बाय सत्रह पॉइंट छब्बीस परसेंट मतलब वन एटी नाइन एट सिक्सटी ये करूंगा फिर बाकी जो तुम करते हो पेमेंट एंड ऑल वो सब करते हो बोलो बेटा क्लियर हुआ तो ये वाला पॉइंट लिख लेना कि अगर विच एवर इज लोअर में फेयर वैल्यू लोअर आ जाए तो हमें डिस्काउंटिंग रेट को रिकम्प्यूट करना पड़ता है इस तरीके से जिन्होंने ग्रुप टू में एफएम एम पढ़ाया उनको ये पढ़ता होगा इस तरीके से इसको मैं डब्बा मेथड बोलता हूं बॉक्स मेथड बोलता हूं चलो जी सो गाइस इसी के साथ साथ हमारा ए एस नाइनटीन हो गया खत्म अब देखो लॉजिकली एस नाइनटीन के अंदर तुम ट्रैक रैपिड रिविजन करके आए वहां पर तुम कुछ क्वेश्चन करके आए यहां पर तुमने मेरे साथ कुछ questions की practice की मेरे को ऐसा लगता है उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम इन्हीं क्वेश्चंस को ढंग से लगाओ राइटिंग के साथ लगाओ कैलकुलेटर पे सॉल्व मत करो कैलकुलेटर पे सॉल्व करना मतलब तुम्हारी एग्जामिशन नहीं आएगी सो so बस यही है हमारा हो गया इसी के साथ अगला टॉपिक हमारा कौन सा है अगला टॉपिक है हमारा ए एस ट्वेंटी कल मुलाकात करेंगे अब बॉक्स बना सकते हैं क्या हाँ ये वर्किंग नोट होता है बेटा प्रवीण ये वर्किंग नोट होता है हो, हो सकता है बॉक्स बना सकते हैं अब मुझे बताओ आपको कुछ और सवाल जवाब करने हैं तो पांच मिनट हैं आपके पास अगर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब करने हैं तो आपके पास पांच मिनट है मैं आपके सवाल जवाब देख सकता हूं टेलमी टेलमी आपको कल लेक्चर से पहले ए एस ट्वेंटी पढ़ के आना है ए एस ट्वेंटी पढ़ के आना है लेक्चर से पहले ठीक है चलिए बताइए थैंक यू थैंक यू कीप ब्लेसिंग सर सेल एंड लीज बैक रूल थ्री में ए एस ट्वेंटी का प्रोविजन लिखना पड़ेगा नहीं ए एस ट्वेंटी का प्रोविजन नहीं लिखना पड़ेगा थैंक यू आई नीड आई सी आई नीड अ कॉल विद यू नीड हेल्प बेटा आप मैसेज कर दीजिए प्लीज हर्षित पर्सनल नंबर दे दो सर बेटा मैसेज कर दीजिएगा बेटा मैं आपको वही बोल रहा हूँ मैसेज कर दीजिएगा आप व्हाट्सएप पे ये नंबर है ये नंबर है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज सर फर्स्ट ईयर लिप निकालेंगे मैं कौन से वे में करना ज्यादा सुटेबल है एग्जाम परसपेक्टिव है सर फर्स्ट ईयर यू लिप निकालेंगे मैं कौन सा मैं अब अब अभ्य, अभ्युदय में आपका कोई डाउट नहीं समझा सर आर देख लिया है अच्छे से एंड मॉड्यूल क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं नाउ सीइंग टू पास हाँ तो मजा आ गया जाना यार तुम लोग लाइक ही नहीं करोगे तो फिर ये लोगों को तो कैसे पहुंचेगा लाइक करके कर जाना प्लीज सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं थैंक यू सो मच चलो थैंक यू थैंक यू आई हैव जॉब टू डू आई एम प्लानिंग टू गिव माय अटेम्प्ट इन जनवरी सो हाउ टू प्लान ये वाली बात बेटा ऐसा थोड़ी कि दो मिनट में मैं बता दूंगा जनवरी में दे रहे हो तो जनवरी में टाइम है आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए जॉब के अलावा आप मिनिमम से मिनिमम पाँच घंटे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए निकालिए सेल्फ सेल्फ स्टडी से के लिए निकालिए अभी तो मैं इतना ही बोल पाऊंगा लाइक कर दो बेटा लाइक कर दो कितना रिवीजन करना होगा फॉर एग्जाम्पन यार मिनिमम दो रिवीजन करना होगा मिनिमम दो रिवीजन करना होगा सर लीज पेमेंट के लिए एन्यूटी फैक्टर यूज़ कर सकते हैं ना कर सकते हैं पर मैंने वो पहले ही बताया कि टेबल वाइज करो तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर एफ में जो आयर का फॉर्मूला पड़ा है वो लगा सकते हैं हाँ 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 बिल्कुल 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 डब्बा मेथड की जगह बिल्कुल बेटा ध्रुव कर सकते हो सर कंसोलिडेशन स्किप कर सकते हैं मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा सर मॉड्यूल और मस्ट डू क्वेश्चन बस इनफ है uh, कह सकते हो यस टू द एक्सटेंट ऑफ एटी नाइन्टी परसेंट तक इनफ है रिप्लाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहा हूं कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा इसका मतलब आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको में प्रॉब्लम है ये बात को एक्सेप्ट कर लीजिए विजय शाह अगर आपको लग रहा है कि आप स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपके कंसेप्चुअल इशूज है फिर आपको क्लासेस लेने की जरूरत है टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए मैं देखता हूं मैं कोशिश करूंगा कंसोलिडेशन मैंने बोल दिया सर कल आपसे दोबारा से मिलते हैं यहां पे आप बस ऐसे ही हाथ पकड़ कर रखना हम या आपके पैर <laughs> भाई टेंशन मत लो ऐसा मत बोलो बट रहूंगा साथ रहूंगा मैं बोलता हूं ना अंत तक साथ रहूंगा टेंशन मत लो ठीक है मॉड्यूल क्वेश्चन करने की जरूरत है देखो अगर तुम लोग मैं मैं बोलूँ देखो अगर ये क्वेश्चन लगाने के बाद तुम लोगों को फील आ रहा है कि यार बस हो गया तो ठीक है ये क्वेश्चंस लगाने के बाद किसी किसी टॉपिक में नहीं आ रहा थोड़ा मुझे दो चार और करना है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ ना किसने मना किए ये तुम्हारा जजमेंट है बेटा और ये टॉपिक बाय टॉपिक हो सकता है तुम्हारा जजमेंट है एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते मेरे हिसाब से रोशन वेरी गुड फिफ्टी आया आपके कांग्रेचुलेशन सर लास्ट रिवीजन में बस ये क्वेश्चन किए तो हाँ लास्ट रिवीजन में चलेगा लास्ट रिवीजन में चलेगा चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा विजय इफ सर मैं 24 में रिवीजन और प्रैक्टिस भी नहीं किया इसलिए फेल हो पाया पहले से आता था अब नहीं तो यार वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो रिविजन लेक्चर्स अभ्यास बैच रेपिड रिविजन से काम नहीं हो पाएगा आपको प्रॉपर एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहिए चलिए गाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर